जी चंचलगुड़ा से ये आया कि बच्चे को, बड़े बच्चे को कॉल आया था, बोले कि फिक्सा के इंतकाल हुआ। मेरे बच्चे को आज तक ना फिक्स है ना कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा अच्छा था, हट्टा कट्टे बच्चे को कभी फिक्स नहीं आया। लगा फिर डेड बॉडी ऐसा छोड़ के चले गए, हैंडकप के साथ डाल के गए, ना वहाँ पे कोई कांस्टेबल है ना कोई नहीं है, कौन लायबल है तो नहीं मालूम, वो ये बोल के बोल रहे। हालांकि उसकी डेथ 2 घंटे पहले हो गई थी, हम आपको इत्तला करें 2 घंटे के बाद करे, तो मैं बोली कि बच्चे के बॉडी पे निशाना है, वो तो नहीं नहीं वैसा नहीं है कुछ नहीं है। बोलने के बाद फिर उन लोग कॉपरेट नहीं कर रहे, दूसरे एरिया के आ रहे बोल रहे नहीं कुछ तुम्हारा बच्चा वैसा लगता था, झूठे झूठे उस पर कैसा वो करके फिर दिमाग का वो था ऐसा था कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा सब अच्छा था। बोल रहे कि अंदर उन्हें अल्कोहल लेता था, कैसा लेता, फिर परमिशन कैसा देते कमिश्नर, कैसा अलाउ करते, जब एक चप्पल अपन देने जाते जब मिलने जाते तो पूरी चेकिंग होती, तो अल्कोहल के लिए कैसा परमिशन मिलती अंदर। तो मैं वही बोल रही कि मेरे को गुजारिश है कि मेरे को वहां का फुटेज चाहिए, मेरे को पूरा जेल पे मेरे को मेरा बच्चे को मारे सो है लोग। मेरा बच्चा 9 महीने से था जी हाँ, मोहम्मद वाजिद है उन्होंने सोफे के कारीगर थे, कमानी वाला बच्चा वही था। ये बच्चे की तबीयत खराब है, ये बड़ा बच्चा है इनके बाद वाला है, उनको लाने वाली थी मैं 2-3 दिन में, बातचीत भी हुई मेरी ऐसा कैसा, मेरे अच्छे खासे बच्चे को लोग वो करके रख दिए, छोटे से केस में वो प्रेस करे उन लोग बोले कि आपको इंसाफ मिलता, बोलते MLA साहब से जाफर हुसैन साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, सब उन्होंने बोले कि नहीं आपको इंसाफ मिलेगा, आपके बच्चे का कैसा हुआ, कौन आपके बच्चे को जो वो करे उन लोगों को पूरों को सामने लेंगे, कल पोस्टमार्टम के टाइम पे उनके वकील रहेंगे, सब बोले मेरे को कि इंसाफ होगा आप। एक बड़े ही अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टेंसी बाजार घाट के अंदर एक वाजिद नामी एक शख्स था, जो पिछले 8-9 महीने पहले कुछ एक ऑफेंस की तरफ से वो जेल को गया था, रिमांड में था, अभी तक उसकी बेल नहीं हुई थी, काफ़ी ज़माने से ये जेल में था, मगर आज अचानक 1:30 बजे उनके बड़े भाई को इत्तला मिली कि वाजिद का इंतकाल हो गया है, उस्मानिया दवाखाने को जेल से लेकर आए हैं। उसके बाद उनकी वालदा और उनके रिश्तेदार तमाम उस्मानिया दवाखाना गए, जाकर देखे तो बॉडी के ऊपर उनको मार्क्स दिखे हैं, तो जिसके ऊपर फौरी वो बॉडी को मॉर्चरी में रखा दिया गया। इमीडिएट जैसे ही इत्तला नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे ही इत्तला मिले, मुझे ये कहा गया कि इमीडिएट जाइए मेरा साहब और जाके वह वाजिद की वालदा को न सिर्फ फुर्सा दीजिए, उनके गम में साथ ठहरते हुए ये जो हादिसा हुआ ये हादिसे की मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए कहिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आया, मेरे साथ में वहाँ के नुमाइंदा कारपेटर आरिफ रिजवान साहब, आसिफ नगर के नुमाइंदा कारपेटर मोहम्मद मूसा साहब और जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब सबका नुमाइंदा कारपेटर और बच्चे के वालदा भाई, हम तमाम आके ACP आसिफ नगर, चूँकि ये जो केस हुआ था ये हबीब नगर पुलिस स्टेशन में केस हुआ था, हमने इसकी पूरी केस की डिटेल निकाली, चूँकि ये कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं था, रिमांड में था। जब कोई आदमी ऑफेंस करके जाता है रिमांड में रहता तो इसका मतलब ये होता है कि वो मुजरिम नहीं है, मगर उसको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात हुई थी, सिर्फ उम्र 23 साल है वो लड़के की। तो अभी कल सुबह मेरे साथ में एडवोकेट इरफान साहब भी तशरीफ़ लेके आए हैं, कल सुबह ये लोग मार्चरी जाएंगे, जहाँ पे हमारे कारपेटर हजरात भी जाकर वहाँ पे वो RDO के सामने पूरी बॉडी की वीडियोग्राफी होंगी, फोटोग्राफी होंगी और सब करेंगे, और कंप्लेंट के ऊपर पूरे का पूरा इंक्वायरी होंगे। अगर कोई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर ये कत्ल है तो उसके ऊपर बराबर 302 केस बुक कराया जाएगा और उस पर पूरा पूरा एक्शन लिया जाएगा। तो मैं आप तमाम को यही कहना चाहता हूँ कि एक मासूम की जान चले गई है, जिसके लिए हम आगे बढ़ के आए हैं और इंशाल्लाह ताला इसको इंसाफ मिले तक हम बराबर इन लोग के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।